तो सरकार ने जब से आदेश दिया था तब से आपने देखा कि इस मामले पर लगातार सियासत हो रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अलग अलग राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस मामले में सामने आ रही हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, जब सत्ता तानाशाही करेगी या सत्ता जो है लोगों को धर्म जाति के आधार पर बांटने काम करेगी, तो हम पे सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा रास्ता है कि हम अपनी बात को जाकर कह सकते हैं। इसलिए पहले से बहुत छुआछूत है, भेदभाव है, ऊंच नीच है, जातियां हैं, धर्म है। सरकार को चाहिए कि वो इसके ऐसा ना बने। जीत हार का कोई सवाल नहीं है, एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त कर दिया। कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं तो अपनी शुद्धता पवित्रता के लिए हम थोड़ा सा केयर करना चाहते हैं। आइडेंटिफिकेशन हो गया है, इसको डिस्टर्ब मत करिए वरना लंबे समय के लिए एक बहुत बड़ा नासूर बनेगा। फैसला बहुत गलत था और मुझे खुशी है माननीय न्यायालय ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है, क्योंकि माननीय न्यायालय इस बात को कभी नहीं देख सके देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, देश की जो संविधान की मूल भावना उसके विरुद्ध कोई काम हो। ये बीजेपी के लोग केवल नफरत फैलाने के लिए और अपनी सरकार बचाने के लिए इस तरह के फैसले ले रहे हैं। जो ये उत्तर प्रदेश में जो इस टाइप का डिसीजन लिया गया था जो नेम प्लेट लगाने का, इससे ज़्यादा गिरा हुआ फैसला नहीं हो सकता। हमने इसकी पहले भी मजम्मत की थी और इस चीज़ की इस आज़ाद मुल्क के अंदर ऐसे फैसले का कोई मतलब नहीं बनता है। उत्तर प्रदेश में फैसला लिया गया कि कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट लगाई जाएगी, लेकिन कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है। लेकिन सनातनी इस फैसले का खुलकर के स्वागत भी कर रहे हैं। पहले बाबा रामदेव ने स्वागत किया तो अब दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि बाबा बागेश्वर भी खुलकर के समर्थन कर रहे हैं। नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है, आप जो हो वो अपनी नेम प्लेट पर बाहर टांग दो। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए। कांवड़ पवित्रता का त्यौहार है, देश के कोने कोने से कांवड़िए जल भरने के लिए निकलते हैं। कांवड़ियों की पवित्रता और शुचिता बनाए रखने के लिए दुकानों, होटल और ढाबे पर नेम प्लेट लगाने का फैसला लिया गया, न कि किसी की आजादी छीनने के लिए। लेकिन कुछ लोगों को इस फैसले में भी सियासत दिखती है और वो विशेष वोट बैंक को साधने के लिए सनातन का ही विरोध करने लगते हैं। मामला चाहे कुछ भी हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नजर से नफरती चश्मा उतरता ही नहीं है। हर मामले को धार्मिक चश्मे से देखना इनकी आदत बन गई है। नाम बताने का उद्देश्य क्या जारी हुआ, ऐसा लग रहा है विपक्ष बौखला गया है, इसे धर्म और राजनीति से जोड़कर रोटियां सेकने का काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पूरा संत समाज और सनातन को मानने वाले लोग योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। नेम प्लेट विवाद पर बाबा बागेश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सीएम योगी आदित्यनाथ का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा कदम है, नेम प्लेट पर नाम लिखने में तकलीफ क्या है। धाम पर अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाएं ताकि ये पता लगे कि राम वाले कौन है और रहमान वाले कौन है। हमें ना राम से दिक्कत है ना रहमान से दिक्कत है, हमें कारनेमियों से दिक्कत है। इसलिए नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है, आप जो हो वो अपनी नेम प्लेट पर बाहर टांग दो ताकि आने वाले श्रद्धालुओं का धर्म भ्रष्ट ना हो, ये हमारी आज्ञा है। बागेश्वर धाम के सभी दुकानदार 10 दिन के अंदर नेम प्लेट टंगवा लें, नहीं तो इसके आगे विधिक कार्रवाई धाम समिति की तरफ से कानून को साथ में लेकर कानून को ज्ञापन प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा, फिर बाद में मत करिएगा। एक दिन पहले योग गुरु बाबा रामदेव ने भी नेम प्लेट पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि रामदेव को नाम लिखने में दिक्कत नहीं तो रहमान को भी नाम लिखने में समस्या नहीं होनी चाहिए। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए। तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यदि हमारे कार्य में शुद्धता और पवित्रता है तो हमारा नाम चाहे हिंदू है, मुसलमान है, हम किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं।
कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री और योग गुरु बाबा रामदेव ही नहीं, राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने भी दुकानों और होटल पर नेम प्लेट लगवाने वाले फैसले का स्वागत किया। जो यहाँ कार्य हो रहे हैं वो एकमात्र, जैसे यहाँ कांवर चलती है, कांवर में भगवान शंकर जी का पूजा और शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए प्रयास रोक गंगोत्री यमोत्री से लाते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो उसका प्रतिक्रिया कर रहा कि हम लोगों को यानी हिंदुओं को सताने की, हिंदुओं को परेशान, मुसलमानों को सताने की और मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये सब किया जा रहा है, हमको भय पैदा किया जाता है और ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं है जब योगी सरकार ने कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाया हो, लेकिन सनातन विरोधी यूपी में माहौल बिगाड़ने पर उतारू है और यही वजह है बिन सिर पैर वाले मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं। वही सनातन को मानने वाले इस फैसले का समर्थन कर सियासत करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भैया बात करते हैं नीट पेपर लीक मामले को लेकर। आपको बताएं कि नीट पर जो सुनवाई है वो आज की पूरी हुई है, लेकिन कल भी जो सुनवाई है वो जारी रहेगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल भी नीट मामले पर सुनवाई होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण में आईआईटी को एक्सपर्ट्स की टीम बनाने के लिए कहा है और वहीं कल एनटीए की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलील रखेंगे। तो कल एनटीए की तरफ से सॉलिसिटर जनरल की तरफ से दलील जो है वो रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टर आईआईटी को बोर्ड ऑफ एक्सपर्ट्स की टीम बनाने के लिए भी कहा है। तो याचिकाकर्ता ने दोबारा परीक्षा की मांग की है और कल भी सुनवाई होने वाली है इस पूरे मामले पर। हमारे साथ हमारी सहयोगी सुजाता जुड़ गई है। सुजाता, कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ पॉइंट्स जो है कोर्ट की तरफ से कहे गए हैं और कल भी इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी? देखिए, आज बहुत ही लंबी जिरह हुई है और याचिकाकर्ताओं की तरफ से तीन तीन वकीलों ने अपनी अपनी जो तमाम दलीलें थी वो रखी और उन्होंने विस्तार से बताया। इस दौरान पटना पुलिस और पटना ईओ की जो जांच है उसका जिक्र भी हुआ, गवाहों के बयानों का भी जिक्र हुआ, सॉल्वर गैंग का भी पता चला, किस तरह से हजारीबाग से पेपर चला, पटना कब पहुँचा, एनटीए और सीबीआई की तरफ से ये कहा गया, एसजी तुषार मेहता की तरफ से कहा गया कि पेपर सामने तो आ गया था लेकिन पेपर जो एग्जाम शुरू होने से कुछ देर पहले ही आया था, 9:20 के आसपास पेपर मिला था, लेकिन इतनी देर में पेपर बहुत लोगों तक पहुंच नहीं सकता और ना ही उसे सॉल्व किया जा सकता है, तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन जो गवाह हैं, जो पकड़े गए छात्र हैं जिन्होंने ये कहा कि हाँ मुझे पेपर मिल गया था और मैंने उसे रटा और फिर मैं एग्जाम में गया, उनके बयानों के आधार पर पेपर 4 तारीख को ही सामने आ चुका था, हो सकता है कि उससे पहले ही आ गया होगा। तो बहुत सारी चीजें थी जो विरोधाभासी थी, वो बातें आज रखी गई हैं। कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका सुजाता, तमाम जानकारी के लिए।